बीच में से निकल रहा है। शहरी में बारबेक्यू मजेदार, सबसे बेहतरीन, मजेदार, टॉप क्लास, ऑफ स्टैंडर्ड। ये है मजेदार की आइकॉनिक हलीम, जबरदस्त, एक्सेप्शनल, मस्त है, कमाल, मजेदार है, मंगवास्टिक, बिंदास, यमी। बिरयानी सुन के बताएं कैसी है। दोस्तों हम लोग आज मौजूद है समनाबाद में और यहाँ पे हम लोग आए सहरी करने के लिए मजेदार हलीम पे। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे आज ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, प्रेस क्लब के दोस्त हैं, तो हमें रहन भाई ने यहाँ पे इनवाइट किया है। हम यहाँ आज बैठेंगे, सिर्फ यहाँ पे हलीम नहीं मिलती, यहाँ बारबेक्यू भी मिलता है, यहाँ पे चाइनीज भी मिलता है, यहाँ पे चरगा भी मिलता है और बहुत सारी चीजें जो है ना इन्होंने अपनी वैरायटीज में ऐड कर ली है। तो आज सहरी के लिए हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, इनकी और ही ब्रांचेज हैं लेकिन आज हमें यहाँ पे इन्होंने मजेदार हलीम की जो मैनेजमेंट है ऑनर है उन्होंने बुलाया जैन भाई के थ्रू। तो इंशाल्लाह चलते हैं, एंजॉय करते हैं इनकी हलीम को, सहरी को एंजॉय करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। भाई हम लोग आ गए हैं मजेदार हलीम के बाहर, हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे फुल रौनक चल रही है। तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त होने वाला है, रात का भी खाते खाते हमें 4 बज जाएंगे। अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे पहले इनका ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है और रूफ टॉप भी है। तो अंदर चलते हैं और आपको चल के दिखाते हैं यहाँ पे तैयारियां क्या हो रही हैं। अच्छा, ये अंदर आती है इनका ये सेक्शन है जहाँ से आपने अगर इनके ये केन सेक्शन में यहाँ पे लेना है, जिसकी मेरे ख्याल से वैलिडिटी 4-6 महीने होती है। फिर ये सारा इनका किचन सेक्शन है, ओपन किचन है सारा ये। यहाँ पे आप जो है अपनी जो भी आप चीज आपने पार्सल लेनी है वो भी ले सकते हैं और आपने जो अपना ऑर्डर देना है वो सब आपकी आंखों के सामने यहाँ तैयार होगा। तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के हम अपना जो जितने भी दोस्त सारे अहबाब आ रहे हैं उनसे मिलते हैं और खाना का ऑर्डर देते हैं। जी भाईजान, क्या बोलेंगे आप मजेदार हलीम को लेके, क्या बोलेंगे? ये बहुत पुरानी ब्रांच है। अच्छा, और बहुत अच्छी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्या आपने अनोखी बात की है। ये बहुत पुरानी ब्रांच है और बहुत अच्छी है, क्या इनके हलीम पसंद है आपको? हाँ। जी शहरयार भाई, क्या बोलेंगे मजेदार हलीम को लेके? सर मजेदार हलीम की हलीम तो आउटस्टैंडिंग है, इसके अलावा और भी इन्होंने वैरायटी रख ली है, वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की है। पास एक्सीलेंट है, स्पेशली निहारी। हाँ जी, आप क्या बोलेंगे? मजेदार हलीम एक ट्रेडमार्क बन चुका है और पाकिस्तान तो पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया जो है ना उनके 10-pack फूड को बड़ा लाइक करती है। इंटरनेशनली रिकॉग्निशन हो गई है पाकिस्तान की। जबरदस्त जबरदस्त। जी भाई, आप क्या बोलेंगे मजेदार हलीम को लेके? मजेदार हलीम क्या आपने जोश वाला निकाली हुई है? क्या क्या सीन है मजेदार हलीम के बारे में, क्या कहेंगे? मजेदार हलीम पिछले साल सहरी की थी हमने, बड़ा लजीज खाना था। और सिर्फ हलीम ही अच्छी नहीं थी, हलीम के अलावा और चीजें भी बेहतरीन थी, बहुत सारी डिशेस थी और बहुत अच्छा टेस्ट था। और देखते हैं अभी कि साल में कोई चेंजिंग तो नहीं आई। नहीं आई, टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। आओ फिर मेरे नाल। आओ मेरे नाल चले भाई, हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के हम लोग सेकंड फ्लोर में चलते हैं और वहां बैठने का इंतजाम करते हैं। ये पहले फर्स्ट फ्लोर है, ये भी सारा फैमिली का सेटअप है यहाँ पे बैठने का, और हम लोग यहाँ चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ। अच्छा भाई, ये है सेकंड फ्लोर का सेक्शन, ठीक है? यहाँ पे सारे देखें, कुछ हमारे सैटेलाइट टीवी के लोग ही बैठे हुए हैं, यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं। क्या बोलेंगे मजेदार हलीम को लेके आप? जी बहुत ही बड़ी दिल से खुशी हो रही है कि आज मैं मजेदार हलीम में सैरी करने के लिए आया हूँ। बहुत खुश है आप? बहुत खुश हूँ। आप क्या बोलेंगी? आप क्या बोलेंगे भाई? बहुत अच्छी बात है, मजेदार हलीम पे आना चाहिए, खाना चाहिए। अम्मी ने अम्मी इन्वाइट किया और हम लोग आए हैं और देखते क्या चीज होती है। जी सर, क्या बोलेंगे आप मजेदार हलीम को लेके? मजेदार हलीम जो है, और जैसे नाम से है कि मजेदार तो मजेदार ही है, और मजेदार हलीम पहले जो है वो मैं यहाँ मेरे सामने समझे कि ग्रो हुआ ही जी, और मैं इसी मोहल्ले में रहता था तो मेरे सामने ये ग्रो हुआ, और चूंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है लिहाजा पास कर दिया आपने। सिर्फ हलीम खाते हैं, हलीम के अलावा और चीजें भी खाते हैं? पहले तो ये हलीम होता था यहाँ पर, लेकिन अब जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें बना दी, थोड़ा तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आज फिर खा के बताते हैं फिर कि सहरी जो है सही जगह पे खाने आए हैं या जाया हो रही है। देखते हैं और अभी फैसला करते हैं। पूरी पराठा और बीच में से निकल रहा है सहरी में बारबेक्यू।
वाह चले भाई ये आ गई बारबेक्यू गोटी और मलाई रोटी बनी है जबरदस्त लम्बा नहीं कमाल। ये देखें जी ये कढ़ाई आ गई है। देखिए मैंने कढ़ाई से पहले हलीम खाने की कोशिश की थी लेकिन कढ़ाई बहुत ही गर्म है, बहुत गर्म और बहुत मजा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे हलीम पे। ये देखिए ये है मजेदार की आइकॉनिक हलीम। टेनिस भाई आप क्या कहेंगे? मजेदार मजेदार। क्या चीज आपको बहुत बेहतर लगी? यार हलीम में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो अभी मलाई बोटी खाई है ना, और क्या फरहान क्या चीज जबरदस्त है? यार हलीम तो इनका हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन अभी कढ़ाई खा रहे हैं, कढ़ाई भी अच्छी है और मलाई बोटी ने तो भाई महफिल लूट ली। जबरदस्त कैसा लगा आपको? बहुत मजेदार। क्या चीज आपने ट्राई की अभी? मलाई बोटी, तुर्की कबाब और बस। हलीम ट्राई नहीं किया आपने अभी तक? वो भी ट्राई करें, फिर करेंगे आप। ठीक है मजेदार हलीम सबसे बेहतरीन, उससे अच्छी मजेदार टॉप क्लास। आप क्या कहेंगी? आउटस्टैंडिंग। आप? आप जबरदस्त। आप एक्सेप्शनल। आप बताए शेर भाई मजेदार हलीम मस्त है। खुरम भाई मजेदार है। फरहान ये देखें जी ये आ गया है। अब यहाँ पे फ्राइड राइस चिकन शाशलिक, ये आ गया है रोस्टेड चिकन, फिर फ्राइड राइस। अब हम यहाँ से थोड़ा चाइनीज आइटम लेंगे और साइड पे ही डाल लेंगे यहाँ पर ही। ठीक है जी, दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये देखें ये हमने डाल लिया इधर ये, और साथ ही हमने ले लिया शाशलिक भी। भाई चाइनीज हमने मंगवा लिया, हमने कहा यार चाइनीज भी, जब बारबेक्यू ट्राई कर लिया, कढ़ाई ट्राई कर ली, हम लोगों ने इनकी हलीम ट्राई कर ली, सारी चीजें बड़ी कमाल थी। मैंने कहा यार चाइनीज क्यों रह जाएगा, चाइनीज अभी आ गया। ये शाशलिक है चिकन शाशलिक, और ये है रोस्टेड चिकन। तो ये सबसे पहले हम शाशलिक ट्राई करते हैं क्योंकि शाशलिक का मैं बड़ा फैन हूँ। तो ये भी फ्राइड राइस के साथ ट्राई करके बताते हैं कैसे। लगता है स्पून में दो जायके इकट्ठे टकरा गए। कुछ खटास और मिठास एक साथ ज्यादा आ गई है, समझ नहीं पाया मैं। शाश्लिक बस अच्छा है, मतलब ये नहीं बोलूंगा कमाल है। अब ये जो रोस्टेड चिकन वाला सीन है ये चेक कर लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बेहतर है। लेकिन चाइनीज अगर मैं इनका बोलूं तो मैं वेरी ऑनेस्ट, इनकी जो हलीम है, इनकी जो कढ़ाई है, इनका जो बारबेक्यू है बहुत ऊपर है। चाइनीज ठीक है, जो मैं चाइनीज बनाता हूँ बहुत जबरदस्त होता है। अगर मैंने जिंदगी में कभी वो काम किया तो मैं वो चाइनीज लोगों को खिलाऊंगा इंशाल्लाह। भाई खाना अगर हमने खा लिया, सहरी का टाइम अब काफी कम रह गया है, बहुत मजा आया हम लोगों को, एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। सब खुदा हाफिज कर रहे हैं एक दूसरे को, जल्दी घर पहुंचते हैं, पहुंच के नमाज पढ़ेंगे, आराम करेंगे इंशाल्लाह। पूरी रात आज हम लोग बाहर रहे, एंजॉय किया है यहाँ पे, खाना बहुत मजेदार था। वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।